दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी माननीय गवर्नर महोदया से मिलने गए थे। उन्होंने राज्य पर जो खनिज संपदा है उसकी लूट की बात कही। हमको तो हंसी आता है जिस पश्चिमी सिंहभूम के बारे में वो कह रहे हैं, जीएसएमडीसी के इसमें, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि दीपक लालो इतना भूल कैसे जाते हैं। अभी विगत जब रघुवर जी की सरकार थी, 5 साल चली, उस दौरान उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री श्री सरयू राय जी ने जिस प्रकार से साहा ब्रदर्स का मामला उठाया था और ये एक्सपोज किया था कि वहाँ किस हद तक भारतीय जनता पार्टी संपोषित जो अवैध रूप से खनन के कार्य होते हैं, लोहास वहाँ से चोरी की जाती है, सारी चीज़ें सामने आ गई थी। अब जब लूट की छूट समाप्त हो गई, अब जब सब जगह अवैध उत्खनन पर रोक लगा दी गई, उस वक्त चूंकि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो लोग इस पूरे प्रकरण में साथ में रहते हैं उनकी कमाई बंद हो गई, तो तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। तिलमिला कर जाकर इस तरह की अनर्गल बात करना। उन्होंने एक चीज और कहा कि मैं तथ्यों के साथ आऊंगा। तो आप राज्यपाल महोदया के पास बिना तथ्य के गए थे क्या? उनको जाके दस्तावेज तो आपको दे देना चाहिए था। दस्तावेज यदि आपके पास है तभी तो आप किसी तरह की अनियमितता की बात, अवैध उत्खनन की बात करते हैं। एक अंदाज में सो के उठे जो याद आ गया उसको बोल दिया।